अल्लाह फरमाती हैं कि जब नबी अलैहिस्सलाम को आखिरी वक्त में बुखार हुआ तो वो बहुत तेज था, हत्ता के ऊपर जो कपड़ा डाला गया था उस कपड़े के ऊपर से गर्मी महसूस हो रही थी। तो मैं हैरान थी कि इतना बुखार तो कभी किसी को नहीं देखा होते हुए। नबी अलैहिस्सलाम के सामने एक प्याले में पानी था, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस प्याले में अपना मुबारक हाथ डालते थे और वो पानी अपने चेहरे अनवर पर फेरते थे। और मैं महसूस कर रही थी कि तकलीफ की शिद्दत है, बुखार की शिद्दत है। तो मैंने पूछ लिया, ऐ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी शिद्दत बुखार बीमारी की तो मैंने कभी नहीं देखी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, आयशा, मोमिन को आखिरी वक्त में जो ये तकालीफ होती हैं, इस पर भी उसके गुनाह बख्शे जाते हैं। मैंने ये दुआ मांगी थी, अल्लाह मुझे आखिरी वक्त में तकलीफ ज्यादा दे देना, इसके बदले मेरी उम्मत के गुनाह माफ कर देना, इसके बदले मेरी उम्मत के गुनाह माफ कर देना। आयशा, इसलिए मुझे तकलीफ ज्यादा हो रही है। अभी ये बात हो रही थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन, तो कहा गया कि जिब्रील और इजराइल हाजरी की इजाजत मांगते हैं। नबी इस्लाम की खिदमत में अर्ज किया गया, फरमाया जिब्रील को पहले बुलाओ। चुनाचे जिब्रील अलैहिस्सलाम पहले आए, आकर अर्ज किया, अल्लाह के विस्लम, अल्लाह ने आपको याद फरमाया है। नबी इस्लाम ने फरमाया, जिब्रील पहले अल्लाह ताला से ये मुझे पूछ कर बताओ कि मेरे बाद मेरी उम्मत का क्या होगा, ये सवाल किया। तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, पूछ के, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके बाद आपकी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। जब तसल्ली मिल गई तब नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब मलकुल मौत को भी आने की इजाजत है। फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा फरमाया। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो उम्मत के लिए इतना गमजदा थे, आज सोचने की बात है कि क्या इस गम को हमने भी कुछ बांटा है। याद रखें कि जब गम होता है किसी पर, कोई तसल्ली के बोल भी बोल देता है तो वो भी याद रहा करते हैं। आज नबी अलैहिस्सलाम के इस गम में जो शरीक होगा, जो दीन के रास्ते पे निकले, जान माल वक्त लगाए, जिंदगी के औकात को अल्लाह के रास्ते में लगाए, मदारिस के अंदर जाकर तालीम हासिल करे, इल्म हासिल करे, अमल करे, दावत में हिस्सा ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनन क्यामत के दिन कितनी खुशी होगी कि इस मेरे उम्मती ने मेरे गम में बराबर का शरीक होने की कोशिश की। अल्लाह ताला हमें इस गम को अपना गम बनाने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह अकबर कबीरा।